नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं और योगी आदित्यनाथ बलरामपुर का दौरा आज करने वाले हैं। सीएम योगी शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचे हैं। सीएम ने मंदिर में माँ पाटेश्वरी के दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद सीएम योगी ने अखंड धूना का दर्शन किया। साथ ही सीएम योगी महंत मिथिलेश नाथ योगी के साथ विश्राम स्थल पर पहुंचे हैं। आगे और भी कार्यक्रम है, जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा आप लोगों तक तमाम जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। योगी सरकार प्राइवेट मदरसों की जांच का आदेश दे चुकी है। वहीं संभल में इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्ग ने एक बार फिर से बयान दिया। बर्ग को नापसंद है। सांसद ने कहा कि सरकार मदरसों का खर्च उठाए फिर चंदा लेने की क्या जरूरत है। साथ ही सांसद ने कहा है कि प्राइवेट मदरसों की जांच की क्या जरूरत है। मदरसे दीन दुनिया की तालीम देते हैं, सरकारी मदरसों में जगह नहीं है। प्राइवेट, अगर सरकार को एतराज है तो सरकार मदरसों का खर्च बर्दाश्त करे। यानी कि अगर प्राइवेट मदरसों को सरकार एतराज कर रही है और इन्हें गिरा रही है, इन्हें हटा रही है, तो उसका खर्च सरकार बर्दाश्त करे, ऐसा सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। साथ ही सांसद ने कहा कि उन्होंने कुरान शरीफ में तब्दीली की बात कही, इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, इसलिए शिया सुन्नी सब ने उन्हें खारिज कर दिया, सब उनके खिलाफ हैं। तालीम जरूरी है और बच्चों को तालीम, तुम्हारे मदरसों में इतनी जगह नहीं है सरकारी के सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो जो लोग प्राइवेट अपने स्कूल चला रहे हैं तो बहरहाल चलाने के लिए उनका खर्चा तो चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार दे, गवर्नमेंट दे उनको, तो बाहर से तो पैसा चंदा करने की उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी। तो मजबूरन जब यहाँ से पैसा पूरा नहीं होता होगा तो दूसरे जगह से चंदा करके आदमी लाते, तो इसमें उनका मकसद कोई दूसरा नहीं है, बच्चों को तालीम देना है। और हमारा मकसद भी यही है, हमारे मुल्क भी ये चाहता है कि बच्चों को तालीम दी जाए। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक्तसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोल कर, प्राइवेट मदरसे खोल कर उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से दे दें, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। संभल में एक लुटेरी दुल्हन ब्याह कर आई, ससुरालों को नशीली गोलियां देकर लाखों का माल समेटकर दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई। प्रेमी के पीछे पीछे जाती दुल्हन कैमरे में कैद हुई है। मामला सदर कोतवाली के मोहल्ला हल्लूसराय का, जहां दुल्हन पति समेत ससुराल वालों को नशे की गोलियां देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। पीड़ित पति ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। संभल में हल्लूसराय के रहने वाले अंकुश नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी कि इनकी पत्नी बीती रात्रि में ग्रिल में साड़ी बांध के नीचे उतर के किसी के साथ चली गई, जाते वक्त अपने साथ कुछ नगद पैसे और जेवरात भी ले गई है। और इन्होंने जो आशंका व्यक्त करी है कि जो है एक कोई शिवम नाम का लड़का है जो इनके ससुराल जहाँ इनकी वहाँ से संबंधित है, उसके साथ जाने की आशंका जताई है। इनकी तहरीर पे समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें छानबीन की जा रही है। कुछ फुटेज वगैरह मिले हुए हैं, उसके आधार पे ट्रेस किया जा रहा है, सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना है, हमारा भतीजा है अंकुश, उसके पिताजी का नाम है मोहन सिंह और हल्लूसराय के रहने वाले हैं और इसकी शादी शिवपुरी ग्वालियर से हुई थी और इसको शादी के कराने के लिए हमारे मोहल्ले के सचिन जी थे, उन्होंने इसका रिश्ता कराया।
रिश्ता कराने के बाद में इस ये 10 मई को शादी हुई थी और 10 मई के बाद में ये लड़की दो बार, जिसका नाम मनीषा है, ये शिफ्ट तो ये लड़की यहाँ से दो बार चली गई और इसको हम अपने घर ले आए। वहीं शामली के आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिक्का में शांति और सौहार्द का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। गांव में अलग अलग जगहों पर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। जब गांव वालों ने सुबह देखा तो हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसको लेकर गांव वाले काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि शनिवार के दिन भूमियाखेड़े पर हवन यज्ञ होता है, उससे पहले ही भूमियाखेड़े पर 11 जगह मांस के टुकड़े फेंके गए। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना अंतर्गत ग्राम सिक्का में जो एक ग्राम देवता स्थापित, जैसे हर गांव में पश्चिम में होते हैं ग्राम देवता का जहां स्थान था, रोजाना की बात सवेरे के समय जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि कुछ वहां अवांछनीय चीज़ पड़ी हुई थी। तत्काल उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी से लेकर अधिकारी लेवल तक यहाँ भ्रमण किया गया और निसंदेह जब तक पुलिस आई उससे पहले ग्रामीण के जो ग्राम प्रधान से लेके बाकी जो सांभ्रांत लोग थे उन लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया और वहाँ से अवांछनीय चीज़ जो थी नियमानुसार हटाकर उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। पूजन होना था जब का और यहाँ रात किसी ने मांस के टुकड़े डाल दिए और अभी इससे पहले तो कभी हमारे यहाँ गांव में नहीं हुआ, लेकिन आज भूमियाखेड़े पे 11 जगह मांस के टुकड़े फकेल दिए और ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे किसने इस तरीके का ये शरारती तत्व में काम किया। इंस्पेक्टर साहब, SDM साहब और COCT सभी लोगों के नॉलेज में गाल्टी में आल लग रहे। दो दिवसीय दौरे पर मंत्री लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद ने पालपुर में पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। वहीं जितिन प्रसाद ने मीडिया से बताया कि मिश्रायण की धरती करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की खास प्रतिनिधिता में निमिश्रायण धाम है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ का कायाकल्प किया है, उन्हीं के पदचिन्हों पर निमिश्रायण धाम का मुख्यमंत्री जी कायाकल्प कर तैयारी कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल समूह गठित किया गया है उसमें हमारे साथी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और मैंकेश्वर शरण सिंह जी साथ आए और हम लोगों का सौभाग्य है कि लखनऊ मंडल में सीतापुर जनपद का भी प्रभार हमें मिला और नैमिषारण्य की ये धरती जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है वहाँ पर भी जाने का अवसर, दर्शन करने का अवसर और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी की खास प्राथमिकता में है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प किया था उसी पदचिन्हों पे नैमिषारण्य धाम का भी कायाकल्प होगा। वहाँ के आवागमन, हेलीकॉप्टर से लेकर बस और ट्रेन की सुविधाएं, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर, मंदिरों का सौंदर्यकरण, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, ये व्यवस्था खास प्राथमिकता पे है। जो कार्य चल रहे हैं उन पे पूरी तरीके से समीक्षा की गई। सीतापुर के खैराबाद CSE केंद्र का कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्चा काउंटर पर लोगों से बात की। वहीं CSE प्रभारी को निर्देश दिया कि पर्चों में कोई देरी ना हो, मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का काम किया जाए, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके में पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 शातिर अपराधियों द्वारा बैंक लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए इन 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लूट एवं चोरी के पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा लूट एवं चोरी की घटना का खुलासा किया गया है। इस संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है रिसाल जोशी, अजीम उर्फ जमूरा और अकरम अली, और इसमें जो है 3 मुकदमों का खुलासा किया गया, जिसमें 686/2022 धारा 392 IPC,
और 635 घंटा 2022 457 380 आईपीसी हुआ, 688 2022 379 आईपीसी का मुकदमे का खुलासा किया गया है। इनके पास से जो माल बरामद हुआ है उसमें 2 काले रंग का बैग, 3 अदद बैटरा, 1 इन्वर्टर, 15 गैस सिलेंडर व लोहे के बाट व अन्य सामान बरामद किए गए हैं तथा इनकी गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ में की गई है। इसमें 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ है, जिसमें अलग से अभियोग पंजीकृत 307/34 आईपीसी का व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमा सप्ताह का फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। साथ ही एलआईसी शाखा प्रबंधक द्वारा जिलाधिकारी पुलकित खरे को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। साथ ही एलआईसी प्रबंधक द्वारा कहा गया कि बीमा सप्ताह के तहत पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई है। एलआईसी का आज जो है वो स्थापना दिवस था, मीन्स 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम जो है अस्तित्व में आया था। उस समय बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां काम करती थीं, उन सबको मिला करके उसका नेशनलाइजेशन किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम बना। उसके बाद से जो है 1 सितंबर को हम लोग LIC का स्थापना दिवस हमेशा मनाते हैं। इस पीरियड में जो डेवलपमेंट हुए, जो चेंज हुए यहाँ इस पीलीभीत ब्रांच में, ये पीलीभीत ब्रांच 1956 की ब्रांच है जिस शाखा में हम लोग काम करते हैं, ये 1956 की बनी हुई है। और यहाँ पर जो अभिकर्ता हैं वो लगभग 920 अभिकर्ता हैं, जो साल भर में 826 से बढ़ के हम लोग 920 हुए हैं और लगभग 120,000 इन्फोर्स कस्टमर हमारे पास हैं इस ब्रांच में जो पीलीभीत जिले में। इस शाखा से रिलेटेड शाखा का एक एक्सटेंशन काउंटर या सेटेलाइट ऑफिस हम लोग बोलते हैं, वो बीसलपुर में भी है। तो बीसलपुर बिलसंडा में वहाँ काम होता है, बाकी पीलीभीत जिले के मेजर काम जो है वो इस शाखा में होता है। LIC ऑफिस पीलीभीत में आज बीमा सप्ताह का शुभारंभ हुआ है, इसमें मेरा यहाँ पे आना हुआ। यहाँ पे जितने भी एजेंट्स हैं और जो पूरी LIC की टीम है उनसे बातचीत हुई, उनको प्रेरित करा गया कि वो बेहतर काम करें। LIC और बीमा हर आम नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ होता है और इसलिए ज़रूरी है कि संस्थागत रूप में भी और एजेंट्स व्यक्तिगत रूप में भी समाज में है जिन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता है, बीमा की सही समय पे आवश्यकता है, उस तक पहुँचे हैं। व्यक्तियों का अपने हित हटाते हुए है समाज सेवा करने का एक ही अच्छा मौका मिलता है इन संस्था के ज़रिए, उसी को प्रोत्साहन देने के लिए और जो इनका इतिहास है उससे जुड़ा हुआ ये बीमा सप्ताह है। तो इस बीमा सप्ताह में भी और अधिक प्रयास इस संस्था द्वारा करे जाएंगे हैं और आगे भी ये आम जनता से जुड़ते हुए उनको आर्थिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाते रहेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, नैनीताल विधायक सरिता आर्य, सुमित हृदेश समेत भाजपा सेवक सभा के सदस्यों ने मिलकर किया। इस अवसर पर राम सेवा सभा में समिति के कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर छोलिया दल ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। ऋषिकेश राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए छात्र भड़क गए हैं। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रिंसिपल से इस्तीफा देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल पर MLT विभाग के अध्यक्ष और साइंस के डीन की जिम्मेदारी भी है, जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल का दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलने पर प्रिंसिपल अभद्र व्यवहार करते हैं। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में डबल मर्डर से दिल दहला देने वाला हत्याकांड मामला सामने आया, जिसमें सिरफिरे आशिक ने अपनी महबूबा और उसकी मां को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। युवक का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, आरोपी युवक ने बताया कि युवती और उसकी मां उसको अपने झांसे में लेकर लगातार उसे पैसे वसूल रही थी, साथ ही युवती की मां ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया, इसलिए उसने हत्या कर दी। सबको पता है काशीपुर शहर में आज दिन में एक थोड़ा सा सनसनी एक सूचना मिली जहां पे 2 डेड बॉडीज है और दोनों जो है ब्रूटल मर्डर की टाइप का एक सूचना है करके। तो जैसे ही सूचना मिला हमारा पुलिस टीम वहां पे पहुंची, मोहल्ला अल्ले खान में हमें 2 डेड बॉडीज मिले। एक 22 to 23 ईयर्स ओल्ड एक शीबा करके लड़की थी,
तो उसका बॉडी गली में मिला और उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हीं के घर में उसकी मम्मी का बॉडी शबाना 45 ईयर्स अराउंड उनकी बॉडी मिली। इसी दौरान हमको थाने में ही मोहम्मद सलमान आता है, मोहम्मद सलमान जो है आके वो कबूलता है कि मेरे द्वारा ये किया गया करके। तुरंत पुलिस जो है हमारी टीम ने एक्सपर्ट टीम ने अच्छे से पूछताछ करी, सीनियर ऑफिसर सभी आ गए, हमारा सीओ काशीपुर, एसपी सिटी काशीपुर, इंस्पेक्टर, एसएसआई सब के सब आ गए हम। तो विस्तृत पूछताछ में ये पाया जाता है कुल मिला के कि इन दोनों का 12-13 साल से अफेयर चल रहा था, अच्छा संबंध भी चल रहा था, बीच में एक दो बार शादी की जो प्रपोजल्स गई थी लड़के की तरफ से सलमान की तरफ से, एक बार तो मना हो गया था, बाद में सऊदी में जॉब लगने के बाद हाँ हो गया था, तो फिर अगेन रिसेंटली मना हो गया था। कुल मिला के इस प्रकार आनाकानी चल ही रहा था। मतलब और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।